आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है सभी स्टूडेंट के लिए, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा तभी आप समझ पाएंगे। जो स्टूडेंट ABCID बना चुके हैं और जो बनाने वाले हैं, ये सभी के लिए दोस्तों ABCID को बार बार अपडेट करने से क्या फायदा होगा और क्या नुकसान होगा, आपको इस वीडियो में पूरा कंप्लीट प्रोसेस आपको बताने वाला हूं। तो चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, इससे आपको ABCID के रिलेटेड आपको जानकारी मिलती रहेगी। चलिए यहाँ पर हमको स्टार्ट करके आपको बताते हैं। दोस्तों मान लीजिए हमारा ABCID क्रिएट हो गया है, अब यहाँ पर ABCID को हम अपडेट क्यों करेंगे, चलिए हम बैक चल। ABCID को अपडेट कब करना है, मान लीजिए ABCID बनाते समय आपने कोई इन्फॉर्मेशन गलत डाल दी है तो आपको तब अपडेट करना है। अगर मान लीजिए सारा आपका इन्फॉर्मेशन सही है तो आपको अपडेट नहीं करना है। अपडेट करने के लिए आपको बता देता हूँ, पहले यहाँ पर अपडेट करने के आप 3 बिंदु देखिएगी। अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन गलत है तो आपको यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन मिलता है, आपको डिलीट करके दोबारा से क्रिएट कर लेना है। और जो स्टूडेंट ABCID को बना चुके सारी इन्फॉर्मेशन सही है उनको क्या करना है, तो अगर ABCID में आपका कुछ भी गलत हो जाता है, एडमिशन ईयर या आइडेंटिटी टाइप, आइडेंटिटी वैल्यू, इंस्टीट्यूशन नेम, तब आप यहाँ पर डिलीट करके ABCID को दोबारा से क्रिएट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। अगर सारी इन्फॉर्मेशन सही है तो आपको अपडेट नहीं करना है। वही ABCID आपको सभी कॉलेज यूनिवर्सिटी में, आपने चाहे एक कॉलेज में या दो कॉलेज में एक साथ ही पढ़ाई कर रहे हैं, डिग्री कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वही ABCID आपको सभी कॉलेज यूनिवर्सिटी में जमा करनी है। ABCID एक ही बनेगी आपकी, दो नहीं बन सकती है ना, तीन बन सकती, किसी की नहीं बनेगी, एक ही ABCID आपको हर एक कॉलेज सिटी में आपको देनी है, ठीक है। चाहे आप 2 से 3 कॉलेज में एक साथ पढ़ाई कर रहे हो फिर भी, तो दोस्तों आपको ABCID एक ही बनानी है और एक ही बनेगी, चाहे आप कुछ भी कर लें। जैसे आपका आधार कार्ड हो गया है, एक ही आधार कार्ड बनेगा लेकिन उसमें अपडेट हो सकता है एड्रेस, बाकी आधार नंबर कभी अपडेट नहीं होता है। इसी तरह ABCID आपका नंबर कभी यहाँ पर चेंज नहीं होगा, चाहे अपडेट करेंगे फिर भी, डिलीट करेंगे फिर भी, आपका वही रहेगा। तो आपको यहाँ पर ABCID एक बार बन जाती है, चाहे आप नया एडमिशन कराते, मान लीजिए 2023 में आपने ABCID बना लिया और आप 2024 में नया एडमिशन कराते हैं, फिर भी आपको यहाँ पर ABCID को अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है। वही ABCID आपको को अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी में जमा कर देनी है, आपका सारा यहाँ पर डाटा सेव होता रहेगा, 2 ABCID किसी की नहीं बनेगी। तो इस प्रकार से इसलिए मैं वीडियो लेकर आया हूँ कि यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट बार बार इसको अपडेट कर रहे हैं, तो बार बार अपडेट करने से आपका नुकसान होगा, बार बार अपडेट नहीं करना है। एक बार बनाने के बाद वही ABCID सभी कॉलेज यूनिवर्सिटी में आपको जमा कर देनी है। इस प्रकार से अगर नया ABCID अगर आप बनाते हैं तो आपको यहाँ पर डिजी लॉकर पे अकाउंट बनाना होता है। अकाउंट कैसे बनाते हैं इसके लिए वीडियो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप देख लेना। उसका अकाउंट बनाने के बाद यहाँ पर ABCID को बनाने के लिए आपको सिलेक्ट करना पड़ता है एडमिशन ईयर। एडमिशन ईयर में आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, मान लीजिए आप 2020 से 2024 तक सेम कॉलेज में पढ़ाई किए हैं तो 2020 यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है आपको, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों सिलेक्ट कर लिए, अब यहाँ पर न्यू यहाँ पर देता है आइडेंटिटी टाइप। आइडेंटिटी टाइप में अगर आपके पास रोल नंबर अवेलेबल है, रजिस्ट्रेशन नंबर, इनरोलमेंट नंबर या इन तीनों में से कोई सा भी नहीं है तो आप न्यू एडमिशन पे क्लिक करके अपना आधार नंबर भी डाल सकते हैं, और इस पर भी आप क्लिक करके आप यहाँ आधार नंबर डाल सकते हैं न्यू इनरोलमेंट नंबर पर, इस पर भी। अब यहाँ पर आपको जो भी यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं वो आपको फिल करना होता है। यहाँ पर आपको कॉलेज यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर डालना होता है। बहुत से यहाँ पर स्टूडेंट का कॉलेज यूनिवर्सिटी का नाम नहीं है तो उसके लिए भी मैंने बता रखा है, आप बहुत सी वीडियो मैंने बना रखी है ABCID के रिलेटेड, आप जाके देख लेना। इस प्रकार से ये जानकारी आपको बतानी थी कि आपको बार बार अपडेट नहीं करना है ABCID को, ठीक है। तो आई होप दोस्तों मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करता, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो से, तो बाय।